कोटद्दू में दरियाए सिंध तौंसा बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा, बेट के 8 मौजजात जेरे आब आ गए, जमीन का राबता मुनकता हो गया है। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे तैमूर अतर। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया सिंध तौंसा बैराज की अपस्ट्रीम अब्बास वाला बंद पे। दरिया सिंध में इस वक्त 2,15,000 क्यूसेक पानी का जो रेला है वो गुजर रहा है और इस वक्त ये सूरत हाल है कि पानी मजीद इजाफा होगा और इस वक्त 8 से ज्यादा मौजात हैं जो जेरे आब आ चुके हैं और इन बस्तियों का जो जमीनी रबता है वो मुनकता हो चुका है और मजीद कुछ दिनों तक पानी में मजीद इजाफा होगा। इस वक्त ये सूरत हाल है कि जो 8 मौजात की आबादियां हैं वो लोग इस वक्त कश्तियों पर अपनी मदद आपके तहत इस पानी को अबूर कर रहे हैं क्योंकि इनको बाजार भी आना होता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, अस्पताल लेकर जाना होता है। लेकिन यहाँ पर जो जिला इंतजामिया है, मुकामी इंतजामिया या हुकूमत की जानब से इन लोगों के लिए यहाँ पर कोई भी सहूलियात फ्राहम नहीं की गई। फोटेज में देखा जा सकता है कि बच्चे हैं जिनके पास कश्तियाँ नहीं हैं, वो कड़ाओं पर इस पानी को अबूर करने पर मजबूर है। इस वक्त मेरे साथ कुछ यहाँ के लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं एक कितने महीने में पानी रह रहे, कितने बस्तियां जरा जेरे आब आ चुके हैं, क्या सहूलियात है? 8 बस्तियां जरा जेरे आब आ चुके हैं, उन्हें कोई साढ़े बच्चे कोई सहूलियत का नहीं, ना कोई हस्पताल बनी हुई है, ना कोई जेरे जितने मकान जेरे आब हैं क्योंकि पानी का ज्यों ही बधाती है, अस अपनी मदद ना आ पाते पैं कि इतना कश्ती वाले 30-40 रुपया गिन गिनते हैं, सारे को इतनी मदद दे पैसे कहें असर लेकर इतना आने बांधते हैं, धुप सड़ी जाए, ना कोई छप्पर है ना कशा है, सारे कितने बड़ी परेशानी है। अगो पाला है वो दरिया है, उन्दे बच भी पानी यकदम तार रहे वेंदे, असा ही वजह को लोग बहुत मजबूर हैं। टाइम पानी की सूरत हाल तुम्हारे घर तक डूब चुके हैं, बच्चे बीमार थे, मुख्य बीमारियां, कोई इलाज वास्ते कोई इलाज वास्ते कोई इंतजामिया का नहीं, असा बड़े परेशान है, सारे कितने कोई इंतजामिया भेजो या कुछ सारे घर दे के देखो सर्वे करो क्या है सारे को, असा बड़े परेशान है, पानी है पानी के बैठे हैं सारे में। हाँ जी बिल्कुल, इन लोगों का यही कहना है कि जो जिला इंतजामिया या हुकूमती इंतजामिया है उनकी जानब से यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं किए गए, अपनी मदद आपके तहत ये लोग पानी अबूर करते हैं, पानी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फूट रही हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो कोई मेडिकल कैंप लगाया गया, ना ही कोई रिलीफ कैंप लगाया गया। इन यहाँ के जो मुतासरीन हैं इनका यही कहना है कि फौरी तौर पर यहाँ पर कश्ती सरकारी तौर पर फराहम की जाए और इसी के साथ यहाँ पर मेडिकल और कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। बहुत शुक्रिया तैमूर अतर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। मुल्तान में गैस्ट्रो के वार जारी है, मुल्तान के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में गैस्ट्रो के 232 के करीब मरीज रिपोर्ट हुए हैं। निश्तर अस्पताल में 84 मरीज, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 91 मरीज लाए गए, डीएचके अस्पताल में 32, टाउंस अस्पताल में 26 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लैया में कोरोना के मरीज तेजी से सेहतयाब होने लगे। लैया में 221 में से 143 कोरोना के मरीज सेहतयाब हो गए। लैया में मौजूद तमाम 78 मरीज घरों में आइसोलेट हैं। लैया से अपडेट करेंगे जाहिद सरफराज। लैया के कोरोना के मरीजों के लिए खुशखबरी, बड़ी खुशखबरी यह है कि लैया के अंदर जो कोरोना के मरीज हैं उनकी तादाद में आए रोज कमी वाकई हो रही है, जिसके बहस जो जरिए इंतजामिया की जो एफर्ट्स हैं उसके बस अब 221 मरीज में से अब सिर्फ 78 मरीज जो हैं वो बाकी रह चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर से इस हवाले से बात करते हैं, सर बड़ी खुशखबरी है कि सिर्फ 78 मरीज बाकी रह गए हैं, तो इस वाले से क्या मजीद आप देख रहे हैं आने वाले दिनों? जी इस तरह है कि 221 हमारे पास मरीज थे कोरोना के आज से तकरीबन 9 दिन पहले, और इस वक्त हमारे पास 78 मरीज़ हैं जो होम आइसोलेशन में हैं। तो मैं ये समझता हूं कि लोगों में इसकी शऊर और आगही जो है वो काफ़ी हद तक फैल चुकी है और लोगों ने मास्क भी इस्तेमाल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने हाथों को बार बार धोएं, तो इन चीज़ों से भर के फ़ायदा होता है। इसके अलावा महकमा सेहत ने जो अच्छा काम किया है वो ये किया है कि जो भी मरीज़ का पता लगाए उसके रिश्तेदारों में और दोस्तों में महल्लेदारों में फौरी तौर पर उनके कंटैक्ट ट्रेस किए हैं, उनके सैंपल लिए हैं और उनमें से जो लोग पॉजिटिव आए हैं उनको भी फौरी तौर पर क्वारंटीना किया है, तो इससे बीमारी के वबा के मजीद फैलने में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये इसी वजह से कुछ जो है रिजल्ट्स हमारे नेगेटिव हुए हैं और मजीद अभी इतने ज़्यादा नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर साहब का यही कहना है कि इंतजामिया की जो बर वक्त कार्रवाई है उसके साथ साथ उनका यही कहना है कि शहरी जो है वो भी एहतियाती तदाबीर ज्यादा से ज्यादा अख्तियार करें ताकि कोरोना को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी जा सके। बड़ी खुशखबरी यह है कि फिलहाल 221 में से 78 कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी हुई है। बहुत शुक्रिया जायद सरफराज, आपने अपडेट किया इस हवाले से। डिप्टी कमिश्नर खानीवाल आगा जहीर अब्बास शेराजी का सब्जी मंडी का दौरा, अपनी निगरानी में सब्जियों और फलों की बोली करवाई। इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं मोहम्मद नदी मुगल।
बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर खाने आगा जहीर बादशाह साहब ने खाने वाले सुबह सब्जी मंडी का दौरा किया है, वहाँ पर सब्जियों और फलों की कीमतों का जायजा लिया है। उसके साथ साथ शहर में सफाई सुथराई के हवाले सिटी पार्क खाने वाले पहुंचे हैं, जहाँ उन्होंने सफाई सुथराई का जायजा लिया है। तो मजीद बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर खाने वाला आगा जहीर बादशाह साहब मौजूद है। मैं सर जी बताएगा, सब्जी मंडी खाने वाले का दौरा किया है, साथ साथ शहर का भी दौरा किया, सिटी पार्क खाने वाले पहुंचे हैं, सफाई सुथराई का जायजा लिया, क्या कहेंगे? जी, सिटी पार्क यहाँ पे चूँकि बड़ी अच्छी खासी तादाद यहाँ पे आती है, मर्द व ख़वातीन यहाँ पे आते हैं, तो इसका हमने काम जो है उसकी रिपेयर का, रेनोवेशन का शुरू किया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि ट्रैक्स हमने यहाँ पे जो है टफ टाइल जहाँ पे उखड़ी हुई थी वो लगवा दी है, जहाँ पे नई ज़रूरत थी वो भी लग गई है, बाकी भी रिपेयर जारी है। लाइट्स भी लगवाई थी लेकिन लाइट्स हमारी कुछ ख़राब हो गई दोबारा, बाकी सफाई के मामलात हैं और बाकी माली जो हजरात हैं उनके हवाले से काम होने वाला है, वो अभी हमने विज़िट किया, इंशाल्लाह इसको मज़ीद बेहतर करेंगे, बच्चों को मज़ीद फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे कोई इनकम जनरेट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ताकि जो इनकम यहाँ के हेड से आए वो यहीं पे लग जाए और इसमें मज़ीद बेहतरी आए। जी बिल्कुल, जहाँ इस बात को शोर किया जा रहा है कि सब्जी मंडी खाने वाले में अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो है सरकारी सतह पर जो हैं वो सब्जी मंडी का दौरा किया है। नदीम मुगल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे मौसम के हवाले से, शहर औलिया में आज दिन भर हवाएं चलेंगी, जबकि मौसम गर्म होने के साथ साथ जुज़्वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। मौसम के हवाले से मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे इकबाल सादिक। जी, शहर मुल्तान का मौसम इस वक्त बहुत अच्छा है, उसकी वजह यह है कि जो यहाँ पर हवा है वो 27 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, जिसकी वजह से जो इस वक्त धूप है, हालांकि पूरी आबोताब के साथ जो सूरज है वो चमक रहा है, लेकिन उस धूप की वो शिद्दत महसूस नहीं हो रही जो कि हवा ना चलने की वजह से होती है। अगर इस वक्त हवा ना चल रही होती तो इस वक्त पसीने होने थे, हब्स होनी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी होनी थी, लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही है जिसकी वजह से अब गर्मी का जोर है इस वक्त तक तो टूट चुका है। दूसरी जानेब महकमे मौसमियात के मुताबिक अच्छी न्यूज़ ये भी है कि आज मौसम जज्बी तौर पर अब्र आलूद भी रह सकता है, यानी कि कभी बादल होंगे और कभी छट जाएंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का कभी इम्कान तो नहीं है, ताहम कभी भी बारिश हल्की फुल्की हो सकती है, कभी भी बादल जो है वो शहर मुल्तान की तरफ ज़्यादा तादाद में रुख कर सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो टेम्परेचर आज रिकॉर्ड किया गया है मिनिमम वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसका मतलब ये है अगर बारिश नहीं होती और सूरज पूरी आबोताब के साथ चमकेगा, अगर बादल नहीं होंगे तो फिर यहाँ पर आज बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। 44 डिग्री सेंटीग्रेड मुल्तान का जो टेम्परेचर है वो मायने रखता है। हल्की बारिश हो सकती है। बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक आपने अपडेट किया इस हवाले से। बहावलपुर का मौसम कैसे रहेगा जानते हैं अतर लाशारी से, अतर बताएगा। दिन में जो है वो दर्जा हरारत 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इस वक्त हवा जो है वो चल रही है, मौसम भी बहुत बेहतर है क्योंकि हवा अच्छी खासी चल रही है जिसकी वजह से गर्मी जो है वो बहुत कम है इस वक्त तक। और दूसरा ये है कि आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शाम के बाद जो है वो मौसम बदलने का इम्कान है और महकमा मौसमियात ने ये इम्कान जाहिर किया है, ये पेशनगोई की है कि शाम के बाद तेज़ हवा और हल्की बारिश जो है वो हो सकती है और ये बारिश का सिलसिला आज रात और कल एतवार सुबह तक जो है वो जारी रह सकता है। हवा में नमी की तनासुब की बात करें तो सुबह के वक्त जो है वो 57% हवा में नमी का तनासुब रिकॉर्ड किया गया है और महकमा मौसमियात है वो यही कह रहा है कि अगर आज बारिश होती है तो फिर ये जो गर्मी दिन को पड़ रही है इसका जोर ज़रा कम हो जाएगा और आज बारिश जो है उसका यही कहा गया है। गर्मी जो पड़ी है उसका जोर कम हो जाएगा, 44 से 45 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, हवा चल रही है। तलाशारी आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। सबके बदलते रंगों में जायके की उभरती किरणों में जुल्ले खालिस सोबे हर दाल जायका बेमिसाल हर बार नेशनल रेसिपी मिक्सेस नमी सोच दे नमे जायके। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खान में
फॉल सन 2020 के लिए 91 डिग्री प्रोग्राम्स में ऑनलाइन दाखिले जारी हैं। खूबसूरत कैंपस और जदीद लेबोरेटरीज के साथ साथ PhD क्वालिफाइड प्रोफेशनल फैकल्टी स्टूडेंट्स के लिए आला तालीम के लिए बेहतरीन माहौल मुहैया कर रही हैं। गैर निसाबी सरगर्मियों और स्कॉलरशिप के बेशुमार मौके, प्लीज विजिट आवर पोर्टल और कॉन्टेक्ट 0685882433। लज्जत के बदलते रंगों में, जायके की उभरती किरणों में, लिए रिमझिम शौक के बादल की, नई सोच के नए जुल्ले खालिस होवे हर गाल।